ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ, ਹਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। जब से ये नई टेक्नोलॉजी और नए फ्रिज वगैरह आ गए तब से आदत पड़ गई थी, और आलस भी एक चीज़ है जो हमें इजी करता है। जो हमारे घर में जैसे दादा दादी हैं उनके लिए भी अच्छा रहता है और वो तो खुश हो जाते हैं मटका देखकर। जो अपना पुराने समय से चल रहा है वो आएगा, आज नहीं अडोप्ट आप करते तो आने वाले कुछ समय बाद अपन अडोप्ट करना ही पड़ेगा। और आप तो मानोगे नहीं कि मैं दही भी मिट्टी के बर्तन में ही जमाती हूँ। इनफैक्ट किन्ने साल हो गए बर्फ तो रखती नहीं है, असी आपका सभ्याचार नाल जुड़ना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेंद्र दत्त, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, गर्मी का मौसम अपने पूरे जोरों पर है, गर्मी जो है वो झुलसा रही है, और गर्मी के मौसम में प्यास सबसे ज़्यादा लगती है। हम लोग आज डिजिटल युग में चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक के युग में चल रहे हैं, डिजिटल युग में चल रहे हैं, तो दोस्तों हम लोग अक्सर घरों में फ्रिज का ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं। जब हम घर में पहुंचते हैं गर्मी से थके हारे तो फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसके कितने फ़ायदे हैं और कितने नुकसान हैं। हमारे जो बुज़ुर्ग थे पुराने, वो शायद टेक्नोलॉजी में आज के युग से कहीं आगे थे। अगर हम बात करें पुराने समय की, तो पुराने समय में जो एक फ्रिज जो हुआ करता था वो होता था घड़ा, मिट्टी का घड़ा, जिसको हम नेचुरल फ्रिज कहते थे, जिसके पानी का कोई नुकसान नहीं है। अगर हम बात करते हैं आज के आरओ की, तो आरओ से बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। कहते हैं कि उसमें बहुत सारे ऐसे मिनरल्स जो होते हैं पानी के, वो ख़त्म हो जाते हैं आरओ से। और फ्रिज जो है उसका ठंडा पानी, उसका टेम्परेचर थोड़ा कुछ ऐसा होता है कि वो हमें, हमारी बॉडी को, हमारे गले को, हमारे पेट को नुकसान देता है। तो आज हम पहुंचे हैं सेक्टर 24 में, कुम्हार जो बैठे हैं, जो घड़े बनाते हैं, जो घड़े बेचते हैं उनके पास, और बात करते हैं कि क्या उनका जो ये काम है, ये धंधा है, ये अच्छा चल रहा है, क्या लोग फिर से घड़े की तरफ आ रहे हैं, घड़ा खरीद रहे हैं, या लोग टोटली डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक युग में आ गए हैं। क्या नाम है आपका? विनोद जी, आप घड़े बनाने का काम करते हैं? जी, हम प्रजापति समाज से, हम यही काम सभी, और हमारे जो दादा परदादा सब यही काम। अच्छा जी, तो चंडीगढ़ में कब से आप? चंडीगढ़ में जी मेरा जन्म अब 1986 का है, चंडीगढ़ का ही है जी, और जो मेरे दादा दादा परदादा थे वो सब यही थे। पहले चंडीगढ़ से ही यही काम करते थे? यही काम करते थे, मिट्टी का ही काम करते। अच्छा जी, तो अभी जो है, क्योंकि अब बहुत डिजिटल युग आ गया एक तरह से, तो कैसा है अभी आपका रिस्पांस, कैसा है मार्केट में? अभी लोग आते हैं घड़ा खरीदने या गमला खरीदने, ये चीज़ें, क्योंकि प्लास्टिक के घड़े भी आ गए हैं और प्लास्टिक के गमले भी आ गए हैं, तो कैसा है अभी आपका कारोबार, कैसा है? जी, कारोबार तो बढ़िया चल रहा है सरकार की दुआ से, और कहने का मतलब ये है कि जो घड़ा है, जो अपना प्लास्टिक का है, फाइबर का है, जो अलग अलग तरह के लोग सीमेंट का बना के वो कर रहे हैं यूज, मिट्टी से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। मिट्टी का घड़ा इसलिए लेके जाते हैं ना, तो उससे घड़ा खराब होता है और उसका ठंडा पानी होता है बिल्कुल, और किसी बर्तन में भी नहीं होगा इतना पानी, बर्फ भी फैल। अच्छा, तो अभी मतलब लोग आते हैं लेने के लिए? नहीं, बहुत आ रहे हैं जी, मिट्टी का बर्तन लेने आ रहे हैं, घड़ा जरूर मांग रहे हैं, घड़े से बहुत उनका जो बीमारी है वो भी ख़त्म होती है, गैस वगैरह भी नहीं। अच्छा, तो अभी आपका जो ये घड़ा है ये आप खुद बनाते हैं? ये जैसे ये पीछे जो बना हुआ है ये तो मुझे लगता है मशीन से बनी हुई चीज़ें हैं। नहीं जी नहीं, हम प्रजापति हैं, मिट्टी की कोई भी चीज़ हमारे से बनवा के दिखा सकते हैं हम आपको। अच्छा जी, जो मिट्टी की चीज़ होगी वो हमारे हाथ से निकलेगी। अच्छा, आप लोग ही बनाते हैं? हम भी बनाते हैं, हमारे मलबे में 50 घर हैं, वहीं पे हम बनाते हैं, और जो भी आप चीज़ कहोगे वही हम आपको दिखा सकते हैं बना। ठीक है जी। अच्छा, ये बताइए, सरकार जो है वो बहुत सारे दावे करती है अभी आप लोगों को, जो भी लोग हाथ का काम करते हैं उनको बहुत सारी हेल्प करती है, लोन देती है, क्या आपको सरकार की तरफ से कोई फ़ायदा मिल रहा है? नहीं, फ़ायदा तो मिल रहा है कि अभी तक तो हमारे सबसे पहले तो लाइसेंस बनवाए हैं हम, 25-30 साल से यहाँ बैठे हैं 24 में, तो यहाँ पे पहले हमारे को कोरोना करो उधर वेंडर जो स्ट्राइड वगैरह करके गलती से ठा दिया था यहाँ से। अच्छा, ठीक है, उसके बाद हमारी लाइसेंस, पहले लाइसेंस बन चुके 2019 से हमारे लाइसेंस अलाउड हो गए हैं, अब हम यहाँ पे बैठे, हमारे कोई दिक्कत नहीं आ रही, ना कोई तंग करता है ना कोई कुछ। ठीक है ठीक है, हम तो यही जो सरकार पर वो करते हैं कि
हमारे पहले लाइसेंस नहीं थे, प्रूफ नहीं था, आज हमारे पास प्रूफ है, हम लड़ सकते हैं। कोई समस्या सिर्फ एक लाइट की समस्या है और कोई समस्या नहीं। एक लाइट आ जाए फोन, आदमी चार्ज रात को कर सकता है फ़ोन, या कूलर चला के पंखा चला के सो सकता है, मच्छर इतने बड़े बड़े हैं, ये परेशानी हमारी बहुत ज़्यादा होती है। रात को हमारे 7 बजे के बाद कस्टमर कोई नहीं आता, नहीं तो और मार्केटों में 10 बजे तक कस्टमर चलता है। तो आपने कभी लाइट के लिए सरकार से, प्रशासन से बात की इस बारे में? नहीं, मैंने कोई बात नहीं की। उनको खुद भी दिखना चाहिए कि भाई यार दूसरा आदमी अंधेरे में बैठा है, दूसरा लाइट में बैठा है, तो इसको कोई प्रॉब्लम हो पूछना चाहिए। भाई साहब, जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक तो माँ भी दूध नहीं देती, आपको प्रशासन के पास अप्रोच तो करनी चाहिए ना। चलो सर, वो आप फिर तो आप कर देंगे, जाके बोल देंगे, लिख के लिखती रूप में दे देंगे आपको। देखिए, आप एक बार कोशिश करें, उसके बाद प्रशासन अगर काम नहीं करता है फिर तो हम प्रशासन को दोष दे सकते हैं। आपको एक बार प्रशासन को जरूर बोलना चाहिए जाके। ठीक है जी, मैं अपने एरिया काउंसलर को बोल दूँगा, ठीक है, सौरभ जोशी जी को जी। ठीक है ना, वो देखते हैं हमारी समस्या में, हर जगह वो काम आते हैं और हर जगह पर हमारा काम करते हैं। हमारे मतलब वो 5 मरले का प्लाट दुआ उनके डैडी ने, जयराम जोशी जी, उन्होंने 5 मरला का प्लाट दुआया, आज वो करोड़ों का है। अब उसके लड़के ने 2.5 मरला के करवाइए, 7.5 मरला का प्लाट होगा, करोड़ों का। अब उनके परिवार है, परिवार रहेंगे, ठीक है। उन्होंने जो हमारे लिए किया है, वो कोई भी बंदा कभी भी हमारे लिए कुछ नहीं किया। जो उन्होंने हमारे को एक छत दे दी और छत के नीचे आज हम राजा हैं चंडीगढ़ के, वो किसकी वजह से? बीजेपी सरकार की वजह से, जो हम सच कह रहे हैं। हमारे लिए बहुत उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और मिट्टी में हमारे बरकत है। देखो कितना हम माल लगा के बैठे, कोई चंडीगढ़ में इतना माल ही लगा के बैठ सकता। एक कुम्हार को बरदान मिला हुआ है बीजेपी सरकार से। हेलो मैम। हेलो, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम शेषाद्री है। शेषाद्री, अरे बड़ा अच्छा नाम है मैम आपका, बड़ा यूनिक सा नाम है। तो मैम, आप यहाँ क्या करने आए हैं? बेसिकली मैं कुछ गमले और साथ ही साथ एक दो मटके भी लेने आई हूँ गर्मी के पानी के लिए। अच्छा, आप मटका लेने आए हैं? घर में फ्रिज नहीं मैम आपके पास? फ्रिज तो है, बट जो बॉट इन मटकों में है वो फ्रिज के प्लास्टिक वाटर बॉटल्स में नहीं है। ये कब समझ आई आपको? वैसे तो ये गांव वगैरह में जब हम रहते थे, हमारे बूढ़े बुजुर्ग, तब तो हम यूज़ करते थे, बट जब से ये नई टेक्नोलॉजी और नए फ्रिज वगैरह आ गए तब से आदत पड़ गई थी। और आलस भी एक चीज़ है जो हमें इजी करता था, तुरंत उठा के रख दिया। मटके में थोड़ा कम्बरसम प्रोसीजर है, बट अब थोड़ा सा अवेयरनेस हुई है जब से थोड़े से बड़े हुए हैं और हर चीज़ को समझा है, तो अभी 1-2 साल से हमने यूज़ करना शुरू किया है। आपको क्या लगता है क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं मटके के, मटका क्यों यूज़ करते हैं आप? बेसिकली एक तो इसमें कुछ भी सिंथेटिक नहीं है, नेचुरल हमारे मिट्टी से बन रहा है, ठीक है। दूसरी एक कॉस्ट इफेक्टिविटी है। तीसरी चीज़, आजकल आपने देखा होगा कि प्लास्टिक जो बॉटल्स यूज़ हो रहे हैं, 2 ऑप्शन है, या तो हम प्लास्टिक की बॉटल यूज़ करें पानी रखने के लिए, या तो ग्लास की वाटर बॉटल्स यूज़ करें। तो प्लास्टिक को आजकल वैसे ही इतना हार्मफुल है, किस उससे बनाया जा रहा है वो हमें भी नहीं पता है किस प्रोसेस में जा रहा है। आपको पता ही है कि अब एक ऐसी मुहिम भी चल रही है कि हमें प्लास्टिक फ्री इंडिया बनाना है। साथ ही साथ ग्लास वाटर जो है वो थोड़े से फ्रेजाइल है, प्लस इसमें एडेड बेनिफिट्स जो हैं, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स हैं, जो अल्कलाइन वाटर है, वो हमें और हेल्प आउट करता है एज़ कम्पेयर टू अदर बेनिफिट्स। तो जहाँ पे आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हो, तो हाँ मैं इसका पानी भी पीना चाहूँगी। मैं ये नहीं कहती कि मैं फ्रिज नहीं यूज़ करती, उसको भी यूज़ करती हूँ, बट हाँ एक जगह एक कमरे में मेरे में ये ठंडा पानी ये भी रहता है, जो स्पेशली पेट वगैरह भी मतलब थोड़ा लाइट होता है तो बेटर रहता है। जो हमारे घर में जैसे दादा दादी हैं उनके लिए भी अच्छा रहता है और वो तो खुश हो जाते हैं मटका देखकर। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो आप जो नई जनरेशन है हमारी, वो टोटली डिजिटल वर्ल्ड की तरफ जा रही है, तो उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली इसका प्रमोशन तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। अगर आपने देखा हो, मैं ये पंजाब से ही बात करती हूँ, कि देखा हो कुल्लर पिज़्ज़ा जो बहुत फेमस है लुधियाना का, उन्होंने भी मिट्टी का ही चीज़ यूज़ करके अपनी चीज़ को इनोवेट किया है। तो मेरे हिसाब से ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम में यंगर जनरेशन ऑलरेडी थोड़ा अर्दन चीज़ें और थोड़ा कह लो इंडिजीनियस चीज़ों की तरफ वैसे ही बढ़ रहा है। तो अगर हम इसको प्रमोट करते हैं तो हाँ ये आगे जाके ज़रूर उस तरह से चीज़ों में जाएगा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अभी जो दोबारा से ये चीज़ें फिर से ये यूज़ में आना शुरू हुई हैं, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया रीज़न रहा है? यस, वन ऑफ द रीज़न, क्योंकि आजकल हर कोई फ्री टाइम में सोशल मीडिया चलाता ही चलाता है, चाहे वो कहीं भी हो, ऑफिस में हो, घर में हो, चलाता ही, ऐसा कहीं अनटच्ड हम है नहीं, चाहे वो टीवी के माध्यम से हुआ, मोबाइल के माध्यम से हो। स्पेशली जो यंगर जनरेशन है उनके लिए तो वही वर्कआउट कर रहा है। अल्टीमेटली आप ये कहना चाहते हैं कि जो घड़ा है
मिट्टी का बर्तन या जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं, पुरातन चीज़ें जिनसे हमारे बुजुर्ग जुड़े हुए थे, तो हमें उनके साथ जुड़ना चाहिए। जुड़ना चाहिए, बहुत ज़रूरी है जुड़ना। और आप तो मानोगे नहीं कि मैं दही भी मिट्टी के बर्तन में ही जमाती हूँ इनफैक्ट, क्योंकि जो उसका सौंधापन और जो टेस्ट होता है वो मुझे मज़ा नहीं आता स्टील के बर्तन में। तो मैंने अभी ख़रीदा है एक शॉप से रिसेंटली, लेकिन हाँ मैंने ढूंढ ढूंढ के बहुत मुश्किल से ख़रीदा है वो, क्योंकि मुझे चाहिए था वो अर्दी टेस्ट। और कई बार हम अपने दादा दादी और इन सबको भी मिस आउट करते हैं, तो वो टेस्ट इतने दिनों बाद वापस जब आता है तो वो डिफरेंट होता है। और ऑब्वियसली हेल्थ बेनिफिट्स तो हैं इसके। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच भाई साहब। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक है। विवेक जी, आप कहाँ चंडीगढ़ के रहने वाले हैं? जी मैं डीएवी कॉलेज में प्रोफेसर। अच्छा, चंडीगढ़ में। अच्छा, प्रोफेसर जी। तो ये आप मिट्टी का घड़ा लेने आए हैं क्या? आप घर में फ्रिज नहीं है क्या आपके? एक्चुअली ये नेचुरल है। जब हम फ्रिज से पानी पीते हैं तो उसमें टेम्परेचर 2-3 डिग्री का होता है, 4 डिग्री या आइस होता है। बिल्कुल। इसमें आपका रूम टेम्परेचर होता है अराउंड 22-23 डिग्री सेल्सियस, जो कि आपको प्यास भी बुझाते हैं और आपको हानि नहीं करता। अदरवाइज यहाँ टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम होता है जी। डॉक्टर अक्सर मना करते हैं फ्रिज का पानी मत पिए, बट ये इसलिए परफेक्ट। देखिए पीछे तो जितना भी हमारा, मैं कहूँगा लोग हैं जितने भी, वो सब लोग तो एकदम से बहुत हाई फाई हो गए हैं, वो सब फ्रिज की तरफ चले गए हैं। अब बाकी आप लोग फ्रिज से, मतलब आप लेक्चर आ रहे हैं तो अच्छी खासी गाड़ी है आपके पास, और आप घड़े की तरफ जा रहे हैं? नहीं, देखिए मैंने बताया ये नेचुरल चीज़ है। हाँ, मुझे भी टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम है, डॉक्टर अक्सर ही बोलते हैं कि ठंडा पानी पीओ, इससे आपका जो पानी का टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर उसको आपको नुकसान नहीं करेगा। हाँ, मतलब ये एक्चुअली अभी हम रियलाइज़ कर रहे हैं कि पैसे के तरफ नहीं, नेचर के तरफ आ। ये कब आपको रियलाइज हुआ ये चीज़? अक्सर मैं बीमार पड़ता था बिकॉज ऑफ रिस्क हुआ था, तब से 2-3 साल से मैं अक्सर ये ले जाता हूँ, तो ये ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो आप क्या कहना चाहेंगे जैसे हमारा जो यूथ है सर, आप तो वैसे भी एजुकेट करते हैं यूथ को, तो यूथ को क्या कहना चाहेंगे इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि वो इन चीज़ों से जुड़े या आगे रेस में लगे हुए हैं सब लोग, इलेक्ट्रॉनिक की तरफ जा रहे हैं सब लोग, सब लोग डिजिटल युग की तरफ जा रहे हैं, तो उन चीज़ों में इन चीज़ों को कहीं ना कहीं भूल पे जा रहे हैं, तो उस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी देखिए, बात ऐसा है कि अभी हम क्लाइमेट चेंज का बात करते हैं, तो क्लाइमेट चेंज में पहले था हम नेचर को चेंज कर, जैसे हमने एसी लगा दिया बाहर 48 अंदर 22, लेकिन कहीं ना कहीं ये नेचर के साथ हम छेड़खानी करें, जो कि हमारा ये जो ट्रेडिशनल है सैकड़ों सालों से ये चीज़ें चला आ रहा है, ये आपको नेचर के साथ जोड़ के रखता है। अब मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि इसको यूज़ करो, एक तो आपका हेल्थ बेनिफिट है मिट्टी का बर्तन है, दूसरा इसके साथ बहुत सारे लोगों का जो ऑक्यूपेशन जुड़ा हुआ है, ये लोग कुछ कमाएंगे इस चीज़ का, ये मुश्किल से 20-30 रुपये का भी आपको 50-60 रुपये का बनता है, 100-150 रुपये में ये बिकता है, कम से कम उन लोगों को आ रहे हैं। अब आप मल्टीनेशनल कंपनीज को फ्रिज लाओगे 16,000 तो ऊपर से बीमार करेंगे। मैं तो चाहूँगा आप रखो फ्रिज भी, नो डाउट वो भी ज़रूरत का चीज़ है, बट ऐसे नेचुरल चीज़ें अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करिए, ताकि हम नेचर को, अब जैसे इसका अगर ये ख़राब हो जाता है मैं फेंक देता हूँ, बायोडिग्रेडेबल है तो कोई नुकसान नहीं होगा, प्लास्टिक का होगा वो डिग्रेडेबल नहीं है, 500 साल तक नेचर में डिग्रेडेबल। तो अब कहीं से भी देखो हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो सक्सेसफुल ही है। हाँ, ये नेचर में मिल जाता है, वहीं से खत्म हो जाता है। तो मैं सबसे रिसाइकल इजीली हो जाता है, जो तीनों कंसेप्ट है रीयूज रिसाइकल और रिसाइकल, तीनों चीज़ें ये चीज़ें हैं। ठीक, थैंक यू प्रोफेसर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सब सावधान रहे, कहा गया इस बार एल नीनो इफेक्ट के कारण टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिरा, ऑलरेडी 40 क्रॉस कर गया, सो नेचर इज द सॉल्यूशन, तो आप लोग नेचर की तरफ आइए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू भाई साहब। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। की शुभ नाम अपना? सुखचैन कपूर। सुखचैन जी, किवें आए हो इत्थे तुसीं? मैं जी घड़ा लैण आया सी। अच्छा, थोड़ा जिहा घड़े बारे अवेयर होए कि पहला अपने पुराने दादे हरे घड़े का पानी पीते सी, फ्रिज हैगी आ, फ्रिज तो पानी पी रहे हैं, पर कुछ टाइम तो जिवें एकदम ज़्यादा पानी ठंडा पीता जाता है, बच्चे आ वो जे पानी दूसरा पीते आ तो वो गर्म लगता, तो वो फ्रिज का जोड़ा होंगे ठंडा हो जाता, वो गर्म सर्द हो जाता हों, जो घड़े का पानी है वोदा लैवल मेनटेन होंगे है। ते वैसे भी जिहड़ा घड़े का पानी देखा गया है ये नाल आयुर्वैदिक दे विच भी ते पुराने समयां दे विच जिहड़ा घड़े का पानी पींदे सी उन्हां नूं पेट की कोई बीमारी नहीं होंदी सी, ते इस करके कुछ फायदे सानू अवेयरनैस हुई सोशल मीडिया तो हुई ता हुण घड़ा लैण। अच्छा, सोशल मीडिया तो मतलब किन्ना टाइम तो तुहानूं अवेयरनैस हुई है? पहलां तुसीं पानी फ्रिज का पींदे सी?
ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਈ ਹੈ? ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤਾਂ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਘੜਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਚਲੋ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਘੜਾ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਈ ਆ ਉਹ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਘੜਾ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਗੋਲ ਆ, ਐਂਡ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਏਗਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਅਡੋਪਟ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਤੋਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਨ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ? ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਆ, ਫਾਇਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਫਰਿੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਿਜਲੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਬਾਕੀ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਆਪਣਾ? ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਥੇ ਭਾਅ ਜੀ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਘੜਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਜੀ। ਘੜਾ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ, ਜੁੜਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਅ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘਰੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘਰੇ ਫਰਿੱਜ ਹੋਏਗਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਅਤੇ ਘੜਾ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾਣੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਰਫ਼ ਤਾਂ ਰੱਖਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚੰਗਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਹੀਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਅ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘੜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ, ਹਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਭਾਅ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਫਾਇਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ? ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਅ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੱਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬਣਤਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਾ, ਕੱਚਾ ਬਣਤਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਾ, ਕੱਚਾ ਐਸੇ ਬਣਾਤੇ। ਅੱਛਾ, ਵੋ ਐਸੇ ਬਣਾਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਉਸਕੋ ਹਮ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਪੀ ਸੇ ਐਸੇ ਐਸੇ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਐਸੇ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਤੋ ਉਸਕਾ ਗੋਲਾਰ ਗੋਲਾਈ ਬਣਾਤੇ ਹੈ, ਐਸੇ ਬਣਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸੇ ਖੜਾ ਬਣਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੈਂਪਰ ਤੋ ਸਿੱਧਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਸੀ ਕੂਸੀ ਔਰ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੈਂਪਰ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਇਸਕੋ ਆਗ ਮੇ ਪਕਾਤੇ ਹੈ। ਆਗ ਮੇ ਪਕਾਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸਕੋ ਬੜਾ ਜੜਾ ਸਿੱਧਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਗਾ ਹੋ ਗੁਜਰਾਤ ਸੇ ਆਯਾ ਹੁਆ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਮਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਉਧਰ ਤੋ ਕਹਤੇ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮ ਲੈ ਕੇ ਆਤੇ ਹੈ ਉਧਰ ਸੇ, ਥੋੜੇ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਤੇ ਹੈ, ਸਭ ਬਾਂਟ ਲੈਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਭੀ ਤੋ ਹਮਾਰਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਕ ਰਿਹਾ ਗੜਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬਿਕ ਰਿਹਾ ਗੜਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਗੜਾ ਹੈ ਇਹ, ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਗੜਾ ਸੀ ਕੋ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਸਭ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਆਪਨੇ ਕੀਆ ਤਾਂ ਕੁਝ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਬਤਾਓ ਕਿਹਦਾ ਦਾ? ਹਮਨੇ ਵੀ ਪੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਥਾ, ਬਰਫ ਫੈਲਤੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਫ ਜੈਸਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ। ਤੋ ਇਹ ਕਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਤੋੜੀ ਹੈ ਸਰ, ਸਾਗ ਬਣਾਉਣੇ ਕੇ ਲਈ। ਹਾਂਡੀ ਇਸਕੋ ਬੋਲਤੇ ਹੈ? ਹਾਂਡੀ ਬੋਲਤੇ, ਹਾਂਡੀ ਤੋੜੀ। ਹਾਂ, ਸਾਗ ਵਗੈਰਾ ਬਣਤਾ ਹੈ ਸਰ, ਇਸਕਾ ਇਸਕਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਚਲਾਣੇ ਕਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸਕੋ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰੋ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਦੋ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉਸਕੋ ਸੁਕਾ ਦੋ, ਸੁਕਾਉਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗਰਮ ਕੋ ਠੰਡੀ ਧਰਤੀ ਮੇ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਛਾ, ਠੰਡੀ ਧਰਤੀ ਮੇ ਰੱਖੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸਕੀ ਕਾਫੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਹੱਥ ਚਲੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ, ਇਸਕੋ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਗੈਸ ਪਰ ਰੱਖ ਦੋ, ਠੰਡਾ ਗੈਸ ਹੈ ਉਸ ਪਰ ਰੱਖ ਦੋ, ਉਸ ਕੀ ਹੋਤਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਡਾਲੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਡਾਲੋ, ਤੇਲ ਡਾਲੋ, ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਸਕੋ ਗਰਮ ਪੇ ਗਰਮ ਪੀ ਲੈਣੇ ਦੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੁੰਡੀ ਨਾ ਹੋ।
इसके फायदे होते हैं, मिट्टी के बर्तन में लोग खा रहे हैं, पहले जो खाते थे फिर शुरू हो गए मिट्टी, पहले पीछे बहुत ज्यादा लोग इन चीजों से पीछे हो गए थे, अब लोग आना जाना शुरू हो गए दोबारा से। अब लोग देख लिया ना लोगों ने कि भी ना स्टील के बर्तन में ना पीतल के ना तांबे के बर्तन में कुछ फायदा नहीं है, जो बीमारी घट रही है वो मिट्टी के बर्तन में, ठीक है, आज तो सारी बीमारी लग रही है। सो दोस्तों आज हमने बात बहुत से लोगों से, चंडीगढ़ के लोगों से, और देखकर मैं खुद हैरान हो गया कि चंडीगढ़ में पढ़े लिखे लोग फिर से वापसी कर रहे हैं मिट्टी के घड़ों की तरफ। शायद वो अवेयर हो गए हैं कि कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हमें नुकसान पहुंचा रही है, और जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो नेचर है, वो फिर से हमें वापस एक अच्छे रास्ते की तरफ ले जाएगी। हमारी सेहत के साथ हम जो खिलवाड़ कर रहे हैं, हम अपनी नेचर के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, अगर हम नेचुरल चीज़ों को जो हमारे बुज़ुर्गों ने शुरू की उनको अपनाएंगे तो शायद हम बच पाएंगे, नहीं तो शायद आने वाले समय में हमारे लिए बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कैमरामैन राकेश के साथ राजेंद्र दत्त, अर्थ प्रकाश टीवी।